कोरोना वायरस को लेकर देश में भी एहतियात बरती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोगों को संबोधित करते हुए कई बातें बताई, अपना कैसे ख्याल रखना है, अपने पड़ोसियों को कैसे ख्याल रखना है, और उसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की कि आप इस वायरस से निपटने के लिए खुद कॉन्ट्रीब्यूट भी करें। लेकिन इस देश के बॉलीवुड सितारों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वो हम आपको बता दें। कनिका कपूर, जो कि प्लेबैक सिंगर के तौर पर जानी जाती हैं, लंदन से वापस लौटने के बाद उन्होंने इस संक्रमण को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी लेकिन ये बिल्कुल सच है। वो लखनऊ पहुंची अपने घर और वहां पर जाकर उन्होंने 3 पार्टियां अटेंड की। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी ये है कि उन्होंने जब विदेश लौटने के बाद भारत में प्रवेश किया तो भारत के इस एयरपोर्ट पर उन्होंने दरअसल चेकिंग नहीं करवाई, वॉशरूम में छुपकर अपने आप को उन्होंने बचा लिया। और यही वजह है कि वो 15 दिनों तक आइसोलेशन वार्ड में नहीं रही। जानकारी सामने जो आई है, ग्राउंड स्टाफ ने बताया, ग्राउंड स्टाफ की मिलीभगत के चलते वॉशरूम में छुपकर वो भाग निकली। और वहीं लखनऊ में उन्होंने संडे को एक अपार्टमेंट में पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें लखनऊ के तमाम बड़े अफसर मौजूद थे, कई नेता मौजूद थे। और इस घटना के सामने आने के बाद अब पूरे अपार्टमेंट में हड़कंप मचा है। यही वजह है कि अब ट्विटर के जरिए जानकारी जो सामने आ रही है वो ये है कि कनिका के संपर्क में आने के बाद उनका पड़ोसी भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। वो खुद तो कोरोना वायरस पॉजिटिव है ही, बल्कि उनका पड़ोसी भी अब पॉजिटिव पाया गया है। इस पार्टी में हम आपको बता दें, वसुंधरा राजे के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। हालांकि कल वो पार्लियामेंट भी पहुंचे थे। अब इससे अंदाजा लगाइए कि खतरा कोरोना वायरस को लेकर कितना बढ़ चला है, जहां पर खुद देश के जनप्रतिनिधि, देश के बॉलीवुड सितारे भी इस वायरस को लेकर गंभीर नहीं हैं। तो फिर कैसे जनता इन पर विश्वास करे। रिपोर्ट, PH News।